रामगढ़ के पास बिंजोर पोस्ट पर पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग की गई, जिस पर सीमा सुरक्षा बल ने जवाबी फायरिंग की। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सियाग ने बताया कि शुक्रवार शाम तारबंदी के पास जीरो लाइन के पास कुछ भारतीय किसान खेती करने के लिए गए हुए थे, जिन्होंने घुसपैठ कर दो व्यक्तियों को देख लिया। किसानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से फायरिंग होने पर भारत सीमा सुरक्षा बल के जवान भी सतर्क हो गए, उन्होंने भी पाकिस्तान के रेंजर्स पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अनुगत के पास बिंजोर पोस्ट पर पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग की गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जानकारी के लिए श्रीगंगानगर संवाददाता डीपी शर्मा मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। डीपी शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच में फायरिंग हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस फायरिंग को लेकर, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया? जी, मैं बता दूं कि ये जो गंगानगर जिले के घटना है, और ये कल शाम कुछ 3:30 पौने 4 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। तो ये एग्जिस्ट करता है कि अंदर पाकिस्तान से जो दो नागरिक ये भारत में सीमांत के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो ऐसे के अंदर बीएसएफ ने उनको देखा तो वो लड़काने के बाद भी वो थे सीधे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर बीएसएफ ने फायरिंग की। तो उधर सामने से पाकिस्तान की जो सीमा से पाकिस्तान के रेंजर है उन्होंने भी फायरिंग की, तो ऐसे के अंदर 8 राउंड 3-4 राउंड वहां की जो फायरिंग हुई, वैसे 18 राउंड जो फायरिंग है वो भारतीय जो बीएसएफ ने इन्होंने की। ये जो बीएसएफ की जो किला संख्या 368/2 की तारबंदी के समीप भारतीय सीमा में ये खेतों में किसान काम कर रहे थे, इनकी सुरक्षा के अंदर जो किसान जो गार्ड जो किसान निगरानी के लिए बीएसएफ के जवानों को लोगों को पाकिस्तान की तरफ आते हुए देखा था, तब की ये घटना बताई जा रही है। इसी तरह बता दू की ये अनुपट के अंदर ये पिछले 15 दिनों में तीसरी बड़ी घटना है। तो ऐसे के अंदर जो अभी भूमिका समय तो ढूंढते समय के अंदर भी बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है कि पाकिस्तान की जो सीमा से इधर जो तस्कर है सिंगा या तस्करी का भी वो भेज जाते हैं, पैसे ला जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, तो ऐसे के अंदर भारतीय जो जवान है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। जी दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। डीपी शर्मा।